हेलो डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दिल्ली कैरियर ग्रुप। इंडियन नेवी ने 2021 के लिए जो आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी AA और SSR जिसको हम सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट बोलते हैं उसका नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी निकाल ही दिया था और 5 मई उसकी लास्ट डेट थी। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि क्या उसका पर्टिकुलर सिलेबस रहता है और हम कौन सी ऐसी प्रिपरेशन टिप्स को लेके चलें कि जो टेंटेटिव डेट उसकी दे रखी है जून के अंदर, तो हम इजी वे से उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो आज हमारा मेनली फोकस रहेगा उन्हीं टिप्स पे और सिलेबस के ऊपर कि हम कैसे समराइज करके चीज़ों को इजी वे से हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो एज यू ऑल ऑफ नो दैट कि जो हमारा टेंटेटिव डेट अभी एग्जाम की दे रखी है वो जून की दे रखी है और तकरीबन इस बार जो AA की पोस्टें हैं वो 2500 पोस्टें निकाली गई हैं और अगर हम सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट की बात करें तो तकरीबन 500 पोस्ट उसके लिए निकाली गई हैं, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट के लिए के अंदर पोस्टें निकाली गई हैं। और जो हमारे मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका जिनका ये ड्रीम है कि इंडियन नेवी में जाकर अपने देश को सर्व कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर ए स्मार्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक दिस एग्जाम इन वेरी इजी वे। सो आज मेनली फोकस हमारा वही रहेगा। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले हमारा मेन फोकस क्या रहता है कि सबसे पहले हमें समझना होता है उस एग्जाम के बारे में कि वो एग्जाम का एक जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या क्या रहता है। सो अगर हम मेनली टॉपिक्स की बात करें या इस एग्जाम की क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 के लेवल पे एग्जाम आपकी होनी चाहिए, आपके पास मैथ फिजिक्स और साथ ही साथ आपका एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, या तो आपके पास केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, और आपके तकरीबन 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। सो ये इसका एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहता है। उसके बाद अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो बाई लैंग्वेज होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों इसमें एप्लीकेबल होती हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एग्जाम होता है और 1 आवर्स का आपको इसके अंदर टाइम दिया जाता है। आपका जो ये क्वेश्चन पेपर आएगा वो आपके पास सब डिवाइडेड होगा 4 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें आपके पास मैथ, साइंस, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस आपके पास इसमें पूछे जाते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये मेनली आपका 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो 0.5 वहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और जितने भी ये 4 सेक्शन हैं हर कैंडिडेट को इन 4 सेक्शन को क्लियर करना होगा या फिर एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पर आपको इसके अंदर अप्लाई करने होंगे। सो अब बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर जो सिलेबस है और उसके कौन कौन से टॉपिक्स रहते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मैंने पूरा डिटेल दे शो कर रखी है यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर टॉपिक्स वाइज सेक्शन दे रखे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें साइंस की तो आप देख सकते हैं इसके साइंस के पूरे टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं थोड़े से उनमें टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो इस साइंस के अंदर जो मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके अगर हम लास्ट ईयर्स के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हो तो काफ़ी इनमें से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, एनर्जी एंड फोर्सेस, आपकी वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस के ये मेनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं पैसेज आते हैं, डिटरमिनेंट्स आते हैं, प्रपोजिशंस आते हैं, यूज और ट्रैजेक्टरीज आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अगर उसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपके रिलेशन एंड फंक्शन हो जाते हैं, लॉगरिथमिक आ जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाती है, आपकी लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी आ जाती है आपकी, और मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और डिटेल वाइज सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको पता है जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारे क्या आते हैं कि हमारे करंट अफेयर्स आ जाते हैं, डिफेंस रिलेटेड आते हैं, स्पोर्ट्स से आ जाते हैं, इवेंट्स आ जाते हैं हमारे, और जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है या हमारी एंशिएंट हिस्ट्री आ जाती है, तो उससे रिलेटेड इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि क्या स्ट्रेटजीज और टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या स्ट्रेटजीज और टिप्स को हमें फॉलो करना चाहिए, तो हम मेनली बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स के ऊपर कि सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि ओनली 1 आवर इसके अंदर अलाउड होता है। तो एक स्ट्रेटेजिक और फोकस टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर आपकी कम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो शुड बी सब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर टॉपिक ओरिएंटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कि अगर मान लो तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ही जो टॉपिक्स हैं उससे अलग हटके या कुछ अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस रहेगा, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके सब्जेक्ट वाइज ही रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली आपने सब्जेक्ट वाइज अपनी यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट शुड बी केयरफुली एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसमें जो आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बिल्कुल हिंट टू हिंट और टॉपिक वाइज और बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉन्सेप्ट
बेस के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो हर तैयारी के बाद आपको प्रैक्टिस एज पॉसिबल एज मैक्सिमम आपने मॉक टेस्ट अपने यहाँ पर प्रोवाइड करना है या आपने मॉक टेस्ट की अपने प्रैक्टिस करनी है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पास जनरल जीके की या जनरल अवेयरनेस की बात करता हूँ तो उसमें आपके इंपॉर्टेंट आ जाता है करंट अफेयर्स, करिकुलम कंप्राइजेस टॉपिक्स फॉर वेरिड डिसिप्लिन्स के अंदर आते हैं। जैसे अगर आपको इसमें पता होना चाहिए कि जनरल अवेयरनेस के अंदर हमारे पास कहाँ कहाँ पर वर्ल्ड में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं तो ये सारी, और चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जर्नलिज्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके डिफेंस से रिलेटेड हो, तो ये आपके वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर। और इम्प्लीमेंटेशन कि आपने अंदर एक इम्प्लीमेंट करनी है हैबिट डेली न्यूज़पेपर रीड करने की, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, जर्नलिज्म के अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या करंट टॉपिक्स आ रहे हैं या किस से रिलेटेड डिबेट्स चल रही हैं, तो ये चीज़ें भी आपको वहाँ पर समझ में जरूर आएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इम्प्रूव जीके को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वेरियस अफेयर्स, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, डेट्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं, वॉर कहीं तो नहीं हो रहा, साइंटिफिक डिस्कवरी क्या होती हैं, किसको क्या अभी क्या क्या प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डेली वहाँ पर रीड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन द रेगुलर बेसिस फॉर साइंस सब्जेक्ट, और कुछ टॉपिक्स के जो टूट जब भी आप अपने टॉपिक्स को पढ़ लेते हो और जब भी आप उसके मॉक टेस्ट देने जाते हो तो कम से कम आप मॉक टेस्ट देने से पहले उन टॉपिक्स को दो बार तो जरूर रिवाइज करें। नेक्स्ट, साइंस के सब्जेक्ट्स में जैसे आपके न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटीज या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी उन प्रॉब्लम्स को आपने प्रैक्टिस करना है, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जो फॉर्मुलाज होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हो तो मैथमेटिक्स के में तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड होंगे, वो स्टेट क्वेश्चंस होते हैं, तो सब मैथमेटिक्स में आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपनी प्रैक्टिस करनी है, जितने भी आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं उनके जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं उनको फॉलो करना है, और उनके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको फॉलो करना है। तो ये जो एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं या इनके टिप्स बताए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प आउट करेगी अगर आप एक अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलते हैं, क्योंकि अभी नेवी SSR की जो एग्जाम डेट है वो डिस्क्लोज नहीं, मतलब अनाउंस नहीं हुए प्रॉपर वे पे, बट टेंटेटिव उसकी जून में है, क्योंकि जो अभी पेंडेमिक चल रहा है तो इसके कारण हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम डिले हो जाए, बट ये हमारे पास एक बहुत क्रूशियल टाइम है, अगर हम इस वे से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने नेवी SAA और SSR के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स जो ये थोड़ी सी आपके साथ इंट्रैक्शन हुई है इस सब्जेक्ट्स, इस नेवी SSR के सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो थोड़ा सा ट्रिक्स आपसे बातचीत हुई है, कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प आउट करेंगी। और इससे डिफेंस रिलेटेड आपको किस नए टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कशन करना है या किस नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आई होप कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प आउट करेगा। और हमारे पास दिल्ली कैरियर ग्रुप के अंदर ऑलरेडी ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं नेवी SSR के, तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमारी साइट्स के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर विजिट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके मिलेंगे। सो तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और टिल देन थैंक यू, जय हिंद।